गुड मॉर्निंग। यहाँ पर आज का हम लोग का कॉन्सेप्ट है आफ्टर, AFTER। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है आपका सिंपली आफ्टर। अब देखिए छोटा छोटा कॉन्सेप्ट उठाया जा रहा है। मेन पर्पज ये है कि पहले तो आपका जैसे इंग्लिश के प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाए, है ना, थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ मजा आता है पढ़ने में। क्लियर है जी सर? इंटरेस्ट बन जाए और इसके साथ में मीनिंग थोड़ा बहुत याद हो जाए जी सर, है ना। जैसे आफ्टर सिंपल सा है, आफ्टर का यूज आपको के बाद के सेंस में करना है। आफ्टर का यूज किसके सेंस में करना है? के बाद के सेंस में आपको आफ्टर का यूज करना है, जहां कहीं के बाद का सेंस हो तब जी। और इस केस में आपको ये याद रखना है कि मेरे की इंग्लिश होती है मी। मेरे की इंग्लिश क्या होगी? मी होगी। क्लियर है जी? तुम्हारे या अगर थोड़ा रेस्पेक्ट के सेंस में कहें तो आपके हो जाता है। तुम्हारे और आपके दोनों की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है। तुम्हारे और आपके दोनों की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। मेरे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तुम्हारे या आपके की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। और हमारे, है ना, हमारे की इंग्लिश क्या होती है? बी। हमारे की इंग्लिश क्या होगी? बी होगी। क्लियर है? उनके 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 की इंग्लिश होती है, क्या होती है? देम। यहां हमारे की इंग्लिश बी ना लिखकर हम लोग अस लिखेंगे। क्लियर है? उनके की इंग्लिश क्या होगी? देम होगी। और उसके, अब उसके में दो चीज होता है, अगर मेल है तब क्या लिखोगे? हिम। अगर मेल है तब क्या लिखोगे? मेल मैन, समझ रहे हो ना, पुरुष। अगर मेल है, पुरुष है, तब उसके की इंग्लिश हिम होगी। अगर फीमेल है तब वहां पर उसके की इंग्लिश क्या होगी? हर होगी। अगर फीमेल है तब वहां पर उसके की इंग्लिश क्या होगी? हर होगी। इतना समझे कि नहीं, है ना? मेरे की इंग्लिश क्या होगी? मी होगी। तुम्हारे या आपके की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। हमारे की इंग्लिश होती है अस होगी। उनके की इंग्लिश होगी देम। उसके की इंग्लिश होगी हिम। और उसके की इंग्लिश होगी हर। मेल है तो हिम, फीमेल है तो हर। अच्छा, इसका भी केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है, तब ऐसा होता है। अभी ऑब्जेक्ट क्या है इसको बाद में मैं बताऊंगा, अभी समझ लो ये पहले नहीं आएगा बस, है ना। अगर जैसे पहले ना आया हो तब, लेकिन यहां पर तो पहले ही आएगा, है ना। क्लियर है? अभी इसकी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सब्जेक्ट समझो, ऑब्जेक्ट समझो। अभी तो आपको पहले थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना है ना इंग्लिश को लेकर, तो अभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ये सारी नौटंकी को हटाओ, है ना। आप सीधा याद रखो कि मेरे को मी बोलेंगे, तुम्हारे या आपके को यू बोलेंगे, हमारे को अस बोलेंगे, उनके को क्या बोलेंगे? देम बोलेंगे। उसके को हिम या तो हर। ये भी किसके केस में? जब के बाद, यानी कि आफ्टर की बात हो तब, है ना। कब होगी? हर जगह नहीं होगा ये चीज, ध्यान देना। लेकिन कब होगा इसकी मीनिंग ये, जब आफ्टर वाला बात हो तब। अब ये क्या बात हुई, जैसे देखो, अगर मैं कहूं मेरे बाद, अब मेरे बाद की इंग्लिश क्या हो जाएगी? देखिए बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर, तो आफ्टर मी हो गया कि नहीं जी। देखो बाद की इंग्लिश हो गया आफ्टर, और मेरे की इंग्लिश क्या हो गया? मी। मेरे बाद आफ्टर मी। अब जैसे आपको कभी बोलना है भाई मेरे बाद आना, आफ्टर मी आना, आफ्टर मी तुमको खाना खाना है, आफ्टर मी
तुम्हें ये काम करना है, है ना। तो आफ्टर मी का मतलब क्या हो गया, मेरे बाद। चलो अब आप लोग बता सकते हो ना, दिमाग लगा सकते हो। चलो जरा से लगाइए और मुझे बताइए, तुम्हारे बाद, तुम्हारे बाद को क्या बोलेंगे? तुम्हारे बाद, तो बाद की इंग्लिश होगी आफ्टर, और तुम्हारे की इंग्लिश यू, यू। अरे बच्चा बाप ना करो, है ना। तुम्हारे यहाँ सीधा लिखा है ना, तुम्हारे की इंग्लिश क्या होगी? यू। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर यू। सम्मान देना है तो क्या कर दो, आपके बाद हिंदी में लिखा जाता है। गाली देना है तेरे बाद, है ना, तेरे बाद में खाना खाऊंगा, पहले तो खा भाग, है ना, थोड़ा इस तरह से। तो आपके बाद या तेरे बाद, इस तरह से। तो सबकी इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर यू। समझ में आया? इतना क्लियर है? चलो और बताओगे? चलो अगर मैं कह दूं हमारे बाद, तो इसको क्या बोलोगे? आफ्टर अस। गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा? आफ्टर अस, हमारे बाद। क्लियर है? चलो उसके बाद, उसके बाद, देखो उसके बाद मैं तुमको मारूंगा। उसके बाद मेल की फीमेल पता नहीं है ना, मान लो मेल की बात कर रहा हूं, अगर मेल की बात कर रहे हैं तब क्या हो जाएगा? आफ्टर हिम। अगर फीमेल की बात करूंगा तब क्या हो जाएगा? आफ्टर हर, मतलब उसके बाद की दो इंग्लिश होगी। अगर मेल की, मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आफ्टर हिम, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आफ्टर हर हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलो अगर हम कह दें उनके बाद, उनके बाद, अब बताइए उनके बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर देम। समझ में आया? लेकिन, 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 है ना, अभी कहानी बाकी है। सुनो, अगर मान लो ऐसा कुछ आ जाए कि खाने के बाद, सोने के बाद, पीने के बाद मैं राजा बन जाता, दारू पीने का, है ना, क्लियर है? गाली देने के बाद, हंसने के बाद, रोने के बाद, काम वाला आ जाए, है ना, जैसे खाने के बाद, खाने के बाद, अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो देखो के बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। के बाद की इंग्लिश क्या होगी? आफ्टर। खाना की इंग्लिश क्या होती है? ईट। तो ईट में क्या लगा दोगे? आई एन जी। बस यही आपको याद रखना है, जो भी काम रहेगा ना उसमें लगा देना है आई एन जी। नहीं समझे? जैसे देखो आफ्टर अगर काम वाला हो, है ना, काम की बात हो, काम जैसे खाना पीना, रोना सोना, है ना, उठना जागना, तो काम को तो लिखना है, लेकिन काम में किसको चिपका कर रखना है? आई एन जी को लगा देना। नहीं समझे? काम में लगा देना है आई एन जी को लगा देना। जैसे मैं कहूं पीने के बाद, अब आप दिमाग लगाओ, पीने के बाद, तो के बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर बोलेंगे। और पीना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ड्रिंक। लेकिन जो भी काम रहे उसमें क्या लगता है? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर ड्रिंकिंग। क्या हो गया? आफ्टर ड्रिंकिंग। समझ में आया इतना? क्लियर है ना? जैसे मैं कह दूं खेलने के बाद, अब इसकी इंग्लिश बताइए, खेलने के बाद, तो के बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर। आफ्टर, है ना, के बाद को क्या बोलेंगे? आफ्टर। और खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो प्ले में क्या लगा देना है? आई एन जी। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद। समझे? आफ्टर मीन्स क्या होता है? के बाद। जैसे मैं कह दूं आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आज के बाद इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब देखो के बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। आफ्टर। और आज की इंग्लिश पता है क्या होती है? टुडे। अब याद कर लो। देखो यही फायदा होता है इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश पढ़ने का,
फायदा क्या है, जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगती जाएगी वैसे वैसे हम लोग वर्ड मीनिंग याद करते चलेंगे, है ना जी। लेकिन याद करते चलना है फिर, क्लियर है। तो आज के बाद आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे, टी ओ डी ए वाई, याद रहेगा ना। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे, है ना। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे। चलो और मैं पूछूं, चलो मैं कह दूं कल के बाद, देखो भैया कल के बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, कल के बाद, तो के बाद की इंग्लिश क्या होगी, आफ्टर, आफ्टर होगा, है ना। के बाद की इंग्लिश हो गई आफ्टर। अब ये कल के बाद का मतलब आने वाला कल या बीता हुआ कल, आने वाले कल की बात कर रहा हूँ ना, जो आएगा। तो आने वाले कल की इंग्लिश होगी टुमारो, क्या होगी, टुमारो, टी ओ एम ओ, है ना, डबल आर ओ डब्ल्यू, याद हो गया। दो चीज देखो, दो नया मीनिंग मिला जी। आज की इंग्लिश क्या होगी, टुडे, टुडे, और कल की इंग्लिश क्या होगी, टुमारो, दोनों याद हो गए ना पक्का। अब वर्ड मीनिंग तो याद ही करना पड़ेगा भाई, जैसे देखो कुछ तो नाम तो आपको याद ही करना होगा ना, कि बिना याद किए काम चल जाएगा, याद तो करना पड़ेगा। आप अपना भी नाम याद किए, पापा मम्मी का नाम शुरुआत में रटे थे, हाँ मेरे पापा का नाम फलाने है, मेरे मम्मी का नाम फलानी है, मतलब जो कुछ भी है ना, रटे थे क्यों, किसी ने ट्रिक बताया था, आप तो याद ही किए थे ना। तो यहाँ भी कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, लेकिन पहले इसे लिख लीजिए, फिर कुछ और प्रैक्टिस करवाते हैं, इसे लिखिए है।